बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक हर साल तकरीबन 60% बच्चे अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रहे हैं, और यही हाल काफ़ी हद तक मैट्रिक बोर्ड का भी। आपका जो पासिंग रेशो है वो 40% पर आ गया है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर इनाम। काफ़ी दफ़ा पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं, हमारा जो इतना से स्टूडेंट जो है वो एक काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जिसका काफ़ी अच्छा एक बैकग्राउंड है, नेम है, उसके अलावा हम बच्चों को कोचिंग सेंटर्स भी भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के रिज़ल्ट में कोई ऐसी ज़्यादा ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही है, या वो बच्चे अपने एग्ज़ाम्स में क्लियर ही नहीं हो पा रहे। सबसे पहले एक बात पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है, या जो आपका चाइल्ड है, जब वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के बावजूद उसको कोचिंग सेंटर की नीड आ क्यों रही है। अच्छा, मुझे जो अक्सर जवाब मिलता है मैं आपको वो बता देता हूँ। काफ़ी सारी पेरेंट्स की तरफ से जवाब आता है कि भाई हम बच्चों को चाहते हैं कि जो वो स्कूल में सीख रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो, इस वजह से हम उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दिलवाते हैं, ट्यूशन इन सेंस ऑफ कोचिंग सेंटर्स। कुछ पेरेंट्स की तरफ से जवाब ये आता है कि बच्चा स्कूल में जो है जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो वहाँ पर इतने ज़्यादा तरीके से, या वो वहाँ पर जो टीचर्स की अटेंशन है वो उसको मिल नहीं पाती है। मतलब ठीक है, आपके दोनों सवालों को से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए चाह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए उसके रिज़ल्ट के अंदर, उसके जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, उसकी नॉलेज इम्प्रूव हो, तो वो कोचिंग सेंटर्स में करवा रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को इसलिए कोचिंग सेंटर्स का सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हैं कि उनको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की वजह से बच्चों को वहाँ पर काम समझ में नहीं आता, टीचर्स की अटेंशन उनको नहीं दी जाती। देखिए, अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर एक एक क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बढ़ने से होता क्या है, जो टीचर की अटेंशन होती है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर वो नहीं रह पाती है। टू बी ऑनेस्ट, ये बात सच है कि नॉर्मल सी बात है, अगर एक क्लास के अंदर 40, 45, 50 अराउंड के करीब स्टूडेंट्स मौजूद होंगे तो वो टीचर सबको इंडिविजुअली तौर पर वो अटेंशन नहीं दे सकता जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड चीज़, ये बात जो पेरेंट्स उनको भी काफ़ी अच्छे से मालूम होती है, वो इसीलिए क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक वेल कंस्ट्रक्ट कोचिंग सेंटर में या एक तरह से काफ़ी अच्छे फेमस कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन करवा देते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो उनकी पढ़ाई में फ़र्क नहीं आ पा रहा होता। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में भी जो क्लासेस हैं वहाँ पर 40, 40, 50, 50 बच्चे मौजूद हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा शर्मिंदगी के मारे सवाल नहीं पूछ पा रहा टीचर से, अगर उसको स्कूल में भी यही मसला फेस आ रहा है कि भाई 40 स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, पहली बात है उसके सवाल को मायने नहीं दिए जाएंगे, वो तवज्जो नहीं दी जाएगी, टीचर ऑलरेडी अपने एक लेक्चर के साथ आ रहा होगा, उसको सारे स्टूडेंट्स को कवर करवाना होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे को वो तवज्जो ना दे पाए। यही सीन सेम टू सेम आपके कोचिंग सेंटर्स में भी रिपीट हो रहा है। कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है कि 40-50 के करीब आपके बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, 40-50 नहीं भी हैं तो 30+ तो हर कोचिंग सेंटर्स में होते हैं। यहाँ पर भी वही होता है कि आपका बच्चा या तो शर्मिंदगी के मारे या इस डर से कि टीचर एक दफ़ा टीचर ने डांट दिया तो वो उसकी वजह से सवाल पूछ ही नहीं पाता, तो जो आपका एक तरह से गैप था, जो स्कूल से गैप क्रिएट हो रहा था बच्चे की पढ़ाई में कि भाई वहाँ पर उसको टेंशन नहीं मिली, वो तो वैसे का वैसे ही है, उसके अंदर किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं आया, भले आप उसको स्कूल में भेजे थे या आप उसको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजे थे। अब यहाँ एक बात पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को सुनने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आपका सिस्टम है, इस टीचिंग पैटर्न को हम कहते हैं अथॉरिटी टीचिंग स्टाइल। अथॉरिटी टीचिंग स्टाइल में होता क्या है कि एक टीचर प्री प्लान लेक्चर के साथ, प्री प्लान लेक्चर यानी कि उसके पास एक डेडलाइन है कि भाई आज मुझे ये लेक्चर करवाना है, प्री प्लान लेक्चर के साथ क्लास में मौजूद होता है और क्लास में वो एज अ लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। लेक्चर डिलीवर मतलब कि 40-50 स्टूडेंट्स एक क्लास में मौजूद हैं, वहाँ पर वो प्री प्लान लेक्चर लेकर आया और उसने उस लेक्चर को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया अपने पेस के मुताबिक, जितना वो समझता है कि पॉसिबिलिटी है उसको स्लो करने की उतनी वो करने के साथ उसको डिलीवर कर देते हैं। अब उस क्लास के अंदर हर किस्म के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, A+ वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं,
एवरेज स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं, बिलो एवरेज भी मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है उसके की नोट्स या की पॉइंट्स अपने पास राइट डाउन कर लेते हैं या अपने पास लिख लेते हैं। ए प्लस वाले से मुझे कोई नहीं है, वो अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में जाए, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को होता है। आपका एवरेज स्टूडेंट, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम उनको खोते जा रहे हैं, हम उन एवरेज स्टूडेंट्स को फेलियर की तरफ लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा लेक्चर नहीं चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग टीचर की ज़रूरत है। वो टीचर जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और वो टीचर उसको आंसर करे। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती अथॉरिटी टीचिंग स्टाइल के अंदर। SM कॉलेजेट ने जो टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है वो अथॉरिटी बेस्ड नहीं है, वो है डेमोंस्ट्रेटर टीचिंग स्टाइल। डेमोंस्ट्रेटर टीचिंग स्टाइल में क्या होता है, इस तरह से आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो एक तरह से इंडिविजुअल टीचिंग पैटर्न होता है। इंडिविजुअल टीचिंग स्टाइल क्या कि आप यानी कि टीचर मौजूद होता है क्लास में, स्टूडेंट्स आता है वो उसके सामने यानी कि बैठते हैं और टीचर एंड स्टूडेंट्स आमने सामने बैठ कर पढ़ते होते हैं। टीचर उसको जो भी उसका लेक्चर होता है डेली बेसिस के ऊपर उसके पेस के मुताबिक वो लेक्चर उसको देता है और स्टूडेंट उसनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एक ही यानी कि अकेला वो बच्चा होता है तो वो उसको डिलीवर कर देता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद हो, हमारे उसमें क्या है कि तकरीबन 5 या 2 से 5 के दरमियान में एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप भी इस तरह से नहीं बनाते कि आपने सारे ए प्लस वाले बच्चों या ए प्लस वाले के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर आपने लोअर एवरेज स्टूडेंट्स को बिठा दिया। आप जब पहले आते हैं स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो यानी जो टीचर होता है वो एनालाइज़ करता है कि जो स्टूडेंट्स है इसकी कैपेबिलिटी, इसका पेस जो है, लर्निंग पेस जो है या इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो क्या है। उसके बाद क्या करते हैं, जब टीचर को ये बात मालूम हो जाती है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स है ये बिलो एवरेज है या एवरेज में है तो उस स्टूडेंट का एक ग्रुप उसी के जैसे स्टूडेंट्स के साथ बना देता है। इसमें होता क्या है कि 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर जब आते हैं तो वो टीचर उनको एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल एक क्लोज गैदरिंग टाइप का वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बड़े आराम से बिना किसी हेसिटेशन के वो अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने शेयर करता है और टीचर्स उन्हीं के पेस के मुताबिक उनको लर्निंग करवा रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका कोर्स इनकम्प्लीट रह जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चा कोई भी स्टूडेंट SM कॉलेज में फेल हुआ। अगर कोई कहे कि भाई इतने ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, ये नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, ऐसा हो रहा है और इस पैटर्न के ऊपर SM कॉलेज तकरीबन 3 से 4 साल से काम कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में जो मैंने आपको बताया स्कूल में गैप क्रिएट हो रहा है, जो कोचिंग सेंटर्स में गैप क्रिएट हो रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। यानी कि एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, एक ऐसी बॉन्डिंग हम देखते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान में है कि कोई जवाब नहीं है उसका। साथ ही साथ अक्सर हमने ये भी देखने में मिला है हमें कि अगर हमारे पास हमें ये आइडिया कि भाई इस बच्चे की लर्निंग स्लो है, हमने उसका ग्रुप बना दिया 4 to 5 स्टूडेंट के साथ मिला के, तो अक्सर अवकात ये भी होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कह रहे हैं सर हमें ये टॉपिक मालूम है, इस टॉपिक को स्किप कर दें। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि भाई आप एक एक बच्चे को एक एक टॉपिक और वो भी उनके पेस के मुताबिक पढ़ाएंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा काफ़ी सारे केसेस के अंदर होता है कि अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर हमारे से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो वो फिज़िक्स के अंदर, मैथ के अंदर, उर्दू इस्लामिक के अंदर बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, तो वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाती है। काफ़ी दफ़ा हमारे पास स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि सर ये काम हमें ऑलरेडी आता है, ये टॉपिक हमने समझा हुआ है, आप बोलें तो मैं आपको ओवरव्यू देकर बता दूं कि जो मैंने समझा हुआ है वो सही है या नहीं है। किसी कोचिंग के अंदर ये परमिशन हो ही नहीं सकती। किसी इंस्टीट्यूट, आपको जो इंस्टीट्यूट मैं वही बता रहा हूँ, वेल कंस्ट्रक्ट, मैं उनको वेल कंस्ट्रक्ट क्यों कह रहा हूँ, बिल्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बना ली हैं, एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए लगा दिया है, लेकिन स्टूडेंट को जो चीज़ चाहिए, स्टूडेंट को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वही चीज़ वहाँ पर आपके बच्चों को, आपके हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है। आप भले कराची के किसी भी जगह पर रहते हो, मैं नहीं कह रहा SM कॉलेज का पार्ट बने, ठीक है, आपको एक टीचिंग मेथड बता रहा हूँ और ये टीचिंग मेथड
सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे एवरेज स्टूडेंट के लिए। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हैं, वो मुझे खुशी होगी कि वो अगर जाएंगे कोचिंग सेंटर्स में, वहाँ पर जाकर सीखें, उसके फ़ायदे अपनी जगह अलग हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स को हमने बिलो एवरेज में लाकर और बिलो एवरेज से उनको फेलियर तक पहुँचाकर हमने जो नुकसान कर रहे हैं, इसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप किसी भी कराची के हिस्से में रहते हो, आप मलीर में रहते हो, आप गुलशन में रहते हो, आप जौहर में रहते हो, एसएम कॉलेज का पार्ट नहीं भी हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि अगर उनका स्टूडेंट बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो उनके लिए अथॉरिटी बेस्ड लर्निंग मेथड नहीं है, अथॉरिटी लर्निंग स्टाइल उनके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। उनको इंडिविजुअल टीचिंग स्टाइल चाहिए, कहीं से भी लें, प्राइवेट ट्यूशन लगाएं, किसी इस तरह से अपने एरिया में देख लें कोई अच्छा बंदा है जो कि उनको पढ़ा सकता है, वो पैटर्न उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वरना आजकल जो ये पैटर्न एक तरह से मैं कहूँगा इससे बल्कि ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपका बच्चा बिलो एवरेज है, लोअर एवरेज है, उसको बड़े कोचिंग में आपने करवा कर समझा कि शायद ये पास हो जाएगा, नहीं, वो बहुत बुरी तरह से उसका ख़राब रिजल्ट आ सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सेकंड वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अभी तो हमने एक तरह से कहा जाए कि उनके टीचिंग पैटर्न को पर बताया कि सबसे पहले जो हमारे जो पासिंग रेशो है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, टीचिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सेकंड वीडियो में हम आपको एक और वीडियो इस तरह से बना देंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कि उसके अंदर हम बताएंगे कि स्टूडेंट्स की तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से वो अपने पासिंग से या अपने एवरेज स्टूडेंट से वो फेलियर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।